नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन जानकारी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोकोना 150 mg टेबलेट के बारे में। तो दोस्तों, ये एक टेबलेट की स्ट्रिप आती है, ये आपको किसी भी मेडिकल केमिस्ट पे आसानी से मिल जाएगी। इस टेबलेट का उपयोग आप किन किन बीमारी में कर सकते हैं, इस टेबलेट का डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, उसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। तो बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको इस टेबलेट की सही इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो दोस्तों, इस टेबलेट को मार्केट करता है कैलिबर फार्मास्यूटिकल, इस टेबलेट को मार्केट करता है और ये आपको किसी भी मेडिकल केमिस्ट पर आसानी से मिल जाएगी। और MRP की बात करो तो 12 रुपये इस टेबलेट की MRP है एक गोली की। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक सिंगल शॉट मिलाया गया है फ्लोकोनाजोल 150 mg, इसमें सिंगल शॉट है। तो दोस्तों, आप किन किन बीमारी में इस टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, यूरिन इन्फेक्शन, दांत होना, एथलीट फुट, नाखून में फंगल इन्फेक्शन होना, स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, प्राइवेट पार्ट में फंगल इन्फेक्शन, फफूंदी संक्रमण, छोटे छोटे दाने निकलना, कैंडिडा संक्रमण, पेनिस में होने वाले फंगल इन्फेक्शन, चर्म रोग, वजाइनल इन्फेक्शन, पैरों की उंगलियों के बीच में होने वाला फंगल इन्फेक्शन, शरीर पे लाल चकत्ते होना, ऐसे में आप इस टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं इस टेबलेट के डोज के बारे में। तो दोस्तों, एक गोली हफ्ते में एक बार ले खाना खाने के बाद या फिर मैं डॉक्टर की सलाह के बाद आप इस टेबलेट का उपयोग करें। दोस्तों, इस टेबलेट के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे मतली उल्टी होना, सिर दर्द, कब्ज, चक्कर आना, घबराहट, मुंह सूखा लगना, पेट में दर्द, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस दवा को लेने के बाद ऐसे कुछ साइड इफेक्ट आपको दिखे तो एक बार में डॉक्टर की आप सलाह जरूर लें। प्रेगनेंसी महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, इस टेबलेट का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह एक बार जरूर लें। दोस्तों, आपको बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई भी गंभीर बीमारी, जैसे कि लीवर, किडनी या हृदय की ऐसी कोई भी गंभीर बीमारी है, तो एक बार अपने डॉक्टर की आप सलाह जरूर लें, उसके बाद ही आप इस टेबलेट का सेवन करें। दोस्तों, इस टेबलेट का उपयोग अल्कोहल के साथ बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, आप पहले से कोई भी स्किन की या चमड़े की दवाई खा रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, उसके बाद ही आप इस टेबलेट का उपयोग करें। फ्लोकोनाजोल टेबलेट खाने के बाद आपको नींद या थकान जैसा महसूस होने लगता है, इसलिए गाड़ी ना चलाएं और भारी मशीनों पर काम ना करें। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।